नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो अभी तक रुकी नहीं है। 24 फरवरी को ये जंग छिड़ी थी। एक मिसाइल अटैक सबसे पहला हुआ था और उसके बाद से ये लड़ाई लगातार तेज़ होती गई। इसमें ज़्यादातर वक्त ऐसा रहा जब ये माना गया कि जो रशिया का पलड़ा है वो इस मामले में भारी है, लेकिन यूक्रेन ने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा और यूक्रेन भी लगातार इस लड़ाई में डटा रहा। रशिया ने अगर 4 मिसाइलें मारी तो उसका जवाब यूक्रेन ने ज़रूर काउंटर अटैक के जरिए दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो खबर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है और वो खबर ये कहती है कि पुतिन अब बंकर में छुपने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन यूक्रेन से डर गए हैं? क्यों पुतिन ने ऐसा फैसला लिया कि वो बंकर में छिपने जा रहे हैं? क्योंकि जब इनिशियली अटैक हुआ था उस वक्त भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि इस तरह का डर है रशिया को, इस तरह का डर पुतिन को है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन जो काउंटर अटैक कर रहा है उसमें किसी तरह की न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करे। इसलिए तब भी पुतिन एक बार अपने परिवार को लेकर उराल के बंकरों में जाकर छिप गए थे। उराल एक एरिया है रूस में जिसको एक सेफ जोन की तरह देखा जाता है और कहा जाता है कि वहाँ के बंकर इतने स्ट्रांग हैं कि उन बंकर्स पर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होगा। और खतरे वाली स्थिति में जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो उन्हीं उराल के बंकर्स में जाकर छिपते हैं। तो अब एक बार फिर से इस तरह की नौबत आ गई है और ये खबर मिल रही है रशियन सोर्सेज से, रशियन मीडिया के हवाले से कि पुतिन अब वापस उन उराल के बंकर्स में जाकर छिप रहे हैं, क्योंकि इस बात का डर पुतिन को सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन अपनी लंबी दूरी के मार करने वाली मिसाइलों से डायरेक्ट अटैक करे और इसके निशाने पर पुतिन और उनका परिवार आ जाए। हालांकि रशियन मीडिया में इसको लेकर दो तरह की बातें चल रही हैं। एक बात तो जो मैंने आपको बताई कि पुतिन का डर सामने आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन की जो मिसाइलें हैं वो उन पर अटैक करें, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ भी है जिसमें रशिया पर 2 लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया, जिसमें रशिया के बड़े शहरों को निशाना बनाया गया था। तो तभी से पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन की मिसाइलें उनको या उनके परिवार को हिट करें और नुकसान पहुंचाएं। इसमें एक दूसरा पार्ट भी निकल कर सामने आ रहा है। वो ये कहा जा रहा है कि रशिया में इस वक्त एक अजीब तरह का फ्लू फैल रहा है और पुतिन चूंकि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और ये जो फ्लू है ये ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं उनको बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेता है। तो ऐसे में पुतिन इस फ्लू से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए बंकरों में जाकर छिप सकते हैं ताकि वो कम से कम इस तरह का जो फ्लू है, ये जो वायरस है, उससे इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो फ्लू वाली बात है ये जानबूझकर अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है ताकि पुतिन का डर बाहर ना आ सके, ये बाहर ना आ सके कि पुतिन यूक्रेन के होने वाले अटैक से, भावी अटैक से पुतिन डर गए हैं, इसलिए ये फ्लू की बात फैलाई जा रही है। खैर, जो भी सच्चाई है लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि अगले 1-2 दिन में पुतिन जाकर उराल के बंकरों में छिप सकते हैं और ये भी जानकारी है कि पुतिन फिर नए साल में भी बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि नए साल में भी पुतिन उन्हीं बंकरों में रहेंगे। अच्छा, इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो रही है कि पिछले दिनों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी रशिया में, लेकिन इस डर की वजह से अपनी पब्लिक अपीयरेंस को पुतिन ने टाल दिया था। कुछ उनको असेंबलीज को संबोधित करना था, कुछ सभाओं को संबोधित करना था, उसको भी पुतिन ने टाल दिया था। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पुतिन का डर है और अपने इस डर की वजह से ही, खुद को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ही पुतिन अब उराल की पहाड़ियों में बने बंकरों में जाकर छिप सकते हैं। बहरहाल, लड़ाई लगातार चल रही है, युद्ध दोनों तरफ से हो रहा है, भीषण होती जा रही लड़ाई, कोई अंत इसका नजर नहीं आ रहा है। लेकिन पुतिन का यूं अचानक से पिक्चर से गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि इतने दिनों तक यूक्रेन पुतिन के सामने, रूस के सामने मजबूती से खड़ा हुआ है, तो क्या अब पुतिन के पैर उखड़ने लगे हैं? क्या पुतिन यूक्रेन से डर गए हैं? इस तरह के वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और कमेंट्स इस पर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। फिलहाल शुक्रिया आपका, थैंक यू।